ओए रोफिरो रुक जा, मेरे 500 रुपए लौटा दे वरना तेरी चटनी बना डालूंगा मैं। यार ये कल्लू पहलवान तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरे पास तो 500 रुपए छोड़ के एक रुपया भी नहीं है यार, अभी क्या करूं? मैं कहता हूं रोफिरो रुक जा, अगर मेरे हाथ आ गया ना तो इसी डंडे से तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। भाई यार अब मैं थक चुका हूं यार, मैं और ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे आईडिया, एक काम करता हूं सामने रस्सी फेंकता हूं। और ये मैं चला भाई, अब हुआ ना अच्छा मामला। तो ये देखो भाई अभी मैं आ चुका हूं इधर, और अभी भाई पीछे की तरफ छुप जाता हूं। ओए ये क्या, ये रोफिरो अभी तो इधर ही भाग रहा था, एकदम से कहां पे गायब हो गया? देखो इधर तो कोई छुपने की जगह भी दिखाई नहीं दे रही, इधर फौजी लोग घूम रहे। अब रोफिरो कहां गया? लगता है आज फिर से इस रोफिरो ने मुझे पागल बना दिया है यार, क्या करूं, ये मेरे 500 रुपए देने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी भाई अगली बार मिलेगा ना तो बिना बताए चटनी बना डालूंगा। ओ यार देखो भाई अभी ये कल्लू पहलवान जा चुका है, बाल बाल बच गया गाइस आज तो, वरना मेरी तो चटनी ही बन जाती। लेकिन यार अभी मैं पैसे का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, इसको पैसे लौटाने ही होंगे। अबे भाई टिप्सन मैं तो आ गया यार, वो कहाँ पे रह गया रोफिरो, अभी तक नहीं आया क्या? अबे यार मैं तो भूल ही गया था उसको कॉल करना। अबे यार सुपर हीरो थैंक यू, अभी कॉल करता हूँ उसको। यार लेकिन मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से? अबे एक मिनट, ये किसका कॉल आ रहा है भाई? अरे ये तो टिप्सन का कॉल है। अबे हाँ भाई टिप्सन कैसे कॉल किया? ओए रोफिरो मैं तेरे को बताना भूल गया, एक नया मिशन आया है, जल्दी से आजा भाई, मिशन स्टार्ट करवाने का टाइम हो रहा है। क्या नया मिशन? अबे टेंशन मत ले टिप्सन, दो ही मिनट में पहुंच रहा हूँ तेरे घर पे अभी। वाह यार देखो टिप्सन ने तो खुशखबरी सुना दी, अब तो पैसे कमा पाऊंगा। अबे भाई टिप्सन और कितना वेट करूँ यार, मुझसे नहीं होगा इतना वेट। ये देखो भाई अभी मैं आ चुका हूँ यार, अब कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ भाई टिप्सन बता दे भाई क्या है मिशन में और इनाम क्या है मिशन का? ये ले भाई सुपर हीरो रोफिरो आ चुका है। हाँ तो चलो मिशन तो बताता हूँ और इसका इनाम भी बताता हूँ। हाँ तो भाई आज के मिशन में तुमको यहाँ से पुलिस की कार को लेके जाना है मिलिट्री बेस के पीछे वाले पॉपिट के पास, वहाँ पर तुमको मिलिट्री वैन मिलेगी, उस मिलिट्री वैन को लेके तुमको लाइट हाउस पे जाना है और लाइट हाउस पे तुमको मिलेगा एक हेलीकॉप्टर, और जो हेलीकॉप्टर को सबसे पहले मेरे घर के बाहर लाके लैंड करेगा वो होगा विनर। वाओ यार मिशन तो अच्छा है लेकिन थोड़ा हार्ड भी है। ओए मैं तो तैयार हूँ और रोफिरो भी तैयार है, टिप्सन स्टार्ट करवा दे। हाँ हाँ भाई चलो स्टार्ट करवाते हैं। तो गाइस ये देखो अभी दोनों प्लेयर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। अरे देखो भाई अभी तो गो हो चुका है, यानी कि भाई अपनी जो रेस यानी कि जो मिशन है अपना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे पुलिस की गाड़ी को भगा रहा हूँ, और आज तो भाई वाइस टाउन के पुलिस वाले भी मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई मैं भी आज पुलिस की गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और इन लोगों को लग रहा है कि मैं भी पुलिस वाला हूँ। हाँ भाई रोफिरो ये बात तो तूने तगड़ी बोली भाई, यार ये पुलिस वाले तो पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं सुपर हीरो हूँ, इनको लग रहा है मैं भी पुलिस वाला हूँ। हाँ चल चल तू पुलिस वाला असली में नहीं बना है भाई, बस तू गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो अभी तेरे को भाई मैं ड्राइवर ही बोलूंगा, चल अपना मुंह बंद रख। तो गाइस अभी देखो भाई हम लोग इधर से जाने वाले हैं पॉपिट के पास, तो भाई देखो यार इधर से रास्ता जाता है मुझे पता है। तू रास्ता ही देख रहा है, ये देख मैं तो भाई पॉपिट के पास पहुंच भी गया और ये पार्क कर दी कार, तो चलो फटाफट से चल के देखते हैं अपनी मिलिट्री वैन कहां पर खड़ी है। ओ यार ये सुपर हीरो तो मुझसे ज्यादा फास्ट निकला, अभी मुझे भी अपनी गाड़ी को यहां पे पार्क कर देना चाहिए। तो गाड़ी अपनी पार्क हो चुकी है, तो भाई चल के अपन भी अपनी उठाते हैं भाई मिलिट्री वैन। और गाइस ये देखो भाई यहां पर मेरे को मेरी मिलिट्री वैन मिल चुकी है, जल्दी से बैठ जाता हूं और ये हो गए स्टार्ट। भाई भाई यहां पे ये अटक रखी है, इसको निकालना पड़ेगा। तो भाई मुझे भी अपनी मिलिट्री वैन मिल चुकी है, तो गाइस अभी मैं भी अंदर बैठ चुका हूं और ये स्टार्ट भी हो चुकी है, और फाइनली भाई अभी हम लोगों को इसको यहां से निकालना होगा और लेके चलना होगा भाई रोड पे, क्योंकि भाई वहीं से हम लोग पहुंचने वाले हैं लाइट हाउस पे। अबे भाई देखो भाई मैं तो इसको डायरेक्टली रोड पे लेके आ चुका हूं, और अभी देखना भाई ये रोड पे कितनी ज्यादा तेज भागेगी, ये मिलिट्री वालों की वैन है बहुत तगड़ी चलती है। यार रोड पे तो मेरी भी मिलिट्री वैन आ चुकी है, बट भाई ये मुझसे ना थोड़ा आगे चल रहा है, अभी इसको पीछे कर देता हूं। तो गाइस ये देखो इसको पीछे हमने कर दिया। अबे भाई यार ये क्या हो जाता है यार, गाड़ी एकदम से सीधी चलने लगती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। देखो भाई बड़ा आया था मेरे को पीछे छोड़ने वाला, अभी वापस से मैं आगे निकल चुका हूँ। अबे ये क्या हुआ, रोफिरो मुझसे आगे निकल गया। अबे भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अगर मैं भाई इससे हारा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ओए ये क्या, अबे कार वाले दिखाई नहीं देता क्या? अबे गाड़ी ठोक दी यार। ओए रोफिरो कितना आगे निकल गया। अबे भाई कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी हाल में अपनी गाड़ी को नहीं रोकना है। यार लगता है इस सुपर हीरो को ना गाड़ी चलानी नहीं आती है, देखो भाई इधर उधर ठोके जा रहा है बार बार। भाई तू पहले चलाना सीख ले, उसके बाद मिशन करने के लिए आना। अरे भाई मुझे गाड़ी चलाना सब आता है, वो तो ये गाड़ी ना बहुत तेज चल रही है इसलिए मैं इसके कंट्रोल्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। अबे ये क्या हुआ, देखो भाई रोफिरो भी पानी में गिर जाता भाई। ओ गाइस यार मैं तो अभी बाल बाल बचा, वरना भाई मेरी गाड़ी जाती पानी में और आज का मिशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। बट यार आप लोगों के सपोर्ट की वजह से भाई मैं बच गया और अभी मेरी गाड़ी वापस से रोड पे आ चुकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइट हाउस के लिए, तो भाई मैं जब तक लाइट हाउस पहुंचता हूं तब तक आप लोग ना अभी तक फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से लाल बटन को दबा। अबे ये रोफिरो तो लाइट हाउस की पहाड़ी पे चढ़ने वाला है। ओए मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरी गाड़ी ना बहुत ज्यादा ही धीरे चल रही है, लग रहा है कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हराना है आज मुझे।
कुछ भी करके। यार इस लाइट हाउस की पहाड़ी पे ना कोई भी गाड़ी को चढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट फाइनली हमने यहाँ पे अपनी मिलिट्री वैन को चढ़ा लिया है, तो अभी हम लोग इससे बाहर निकल जाते हैं क्योंकि भाई अभी हमको चढ़ना है लाइट हाउस के ऊपर। क्योंकि भाई जैसा कि टिप्सन ने बताया था कि हमको लाइट हाउस की छत के ऊपर ही मिलने वाला है हेलीकॉप्टर, तो चलो भाई अभी हम लोग फटाफट से चढ़ते हैं और अपना हेलीकॉप्टर उठा के निकलते हैं भाई टिप्सन के घर के लिए। ये देखो भाई मैं भी आ गया, अपनी वैन को पार्क कर दिया है मैंने और ये मैं उड़ चला। यार मेरे तो उड़ने की शक्ति भी किसी काम की नहीं, इतने धीरे तो भाई कोई मक्खी भी नहीं उड़ती होगी जितना धीरे मैं उड़ पाता हूँ। देखो भाई ये उड़ के भी भाई कितना धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और फाइनली भाई मैंने अपने हाथ पैरों की मदद से ही ऊपर चढ़ चुका हूँ और अभी मुझे मेरा हेलीकॉप्टर भी मिल चुका है। तो चलो गाइस अभी हम लोग इसको फटाफट से लेके चलते हैं टिप्सन के घर पे ताकि भाई अपना मिशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये देखो यार मैं भी आ गया, मिल गया मेरा हेलीकॉप्टर, जल्दी से चाबी लगा के स्टार्ट मारता हूँ इसको। और ये देखो ये स्टार्ट हो गया है, चलो चलो जल्दी से टिप्सन के घर पे चलते हैं। वेल ये रॉफ हीरो मुझसे इतना आगे हो चुका है। देखो भाई सुपर हीरो हमारी बराबरी करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट गाइस सुपर हीरो हमसे काफी ज्यादा पीछे रह चुका है और नीचे भाई टिप्सन का घर है। तो भाई फटाफट से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा के मिशन को कंप्लीट करते हैं। नहीं यार इसका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होना चाहिए, कुछ तो करना होगा। सॉरी यार सुपर हीरो अब तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया है। तो फाइनली गाइस अपना मिशन होता है कंप्लीट। तो भाई सुपर हीरो तो यहाँ पे मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, बट रॉफ हीरो ने कर दिया और इनाम में बताना भूल गया था, तो ये ले भाई रॉफ हीरो तेरे 10 लाख रुपए। ओ गाइस ये क्या इतना बड़ा प्राइस, तो भाई मेरे को यहाँ पे टिप्सन ने दे दिए हैं पूरे 10 लाख रुपए और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। बट गाइस मुझे पता है आपको भी वीडियो में काफी मजा आया होगा, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज देखने को मिले। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ यार कमेंट में बताना कि आप लोग किसकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।